स्थानीय तोशाम रोड स्थित टीआईटी कॉलेज में शनिवार को दो सप्ताह से चल रहे एफडीपी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक समापन हुआ। फैशन एंड अपैरल विभाग द्वारा रिसेंट इनोवेशन इन टेक्सटाइल एंड गारमेंट डिजाइन एंड डेवलपमेंट विषय पर यह कार्यक्रम 13 जनवरी को शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाओं से आए विशेषज्ञों ने इस विषय पर अपने विचार साझा किए। देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थान टीआईटीएस कॉलेज के फैशन एवं अपैरल विभाग द्वारा रीसेट इनोवेशन व टेक्सटाइल एंड गारमेंट डिजाइन एंड डेवलपमेंट विषय पर आयोजित दो साप्ताहिक एफडीपी का सफलतापूर्वक समापन किया गया। यह आयोजन 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ था, जिसका शनिवार को समापन हुआ। कार्यक्रम को पूर्णतः AICTE द्वारा अनुदान प्राप्त था और इसके मुख्य आकर्षण टेक्निकल सेशन, इंडस्ट्रियल विजिट, हैंड्स ऑन सेशन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, साइट सीइंग रहे। कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर यामिनी ने बताया कि इस दौरान IIT दिल्ली से प्रोफेसर डॉक्टर VK कोठारी, NIFT दिल्ली से प्रोफेसर नूपुर आनंद, WUT के कुलपति डॉक्टर संजय गुप्ता, नेत्रा से प्रोफेसर MS परमार, ADS से पुलकित, गैप से सौरभ, TIT से प्रोफेसर डॉक्टर SK शर्मा और प्रोफेसर S धमीजा, डॉक्टर अजय शर्मा, डॉक्टर अनिल सचदेवा, प्रोफेसर डॉक्टर TK कौशिक, ADTC से गुरुपीत व नीरा दीपक, डॉक्टर सुनील रोहिल्ला, TIT एवं NIT जालंधर आदि विभिन्न नामचीन संस्थाओं से आए विशेषज्ञों ने अपने अपने विचार साझा किए। अंतिम दिन हुए वैलिडेटरी कार्यक्रम के दौरान IIT दिल्ली से प्रोफेसर डॉक्टर चट्टोपाध्याय मुख्य अतिथि रहे। इन्होंने भी FDP के विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। संस्थान निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर GK त्यागी ने देश के विभिन्न जगहों से मुंबई, इंदौर, चंडीगढ़, बरेली, पटना, आगरा, हैदराबाद, अलीगढ़, लुधियाना से आए सभी प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त किया। सर, आई ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर TX फैमिली वेलकम यू टू द क्लोजिंग सेरेमनी एंड एक्सटेंड योर वेलकम टू दिस इवेंट। फ्रेंड्स, एज यू नो, faculty competence is the main ingredients to the quality education, particularly professional qualification or professional education. And enriching competence of the faculty in a particular domain or the main domain contributes significantly to the academic growth and learning of the participants, specifically students. फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से हूँ, तो यहाँ पे 2 वीक्स का AICTE स्पॉन्सर्ड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ फैशन एंड अपैरल इंजीनियरिंग करवा रहा है और मैं इस प्रोग्राम को कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। तो ये प्रोग्राम 13 जनवरी 2020 को स्टार्ट हुआ, उस दिन इनॉग्रल फंक्शन था हमारे प्रोग्राम का और प्रोफेसर कुशल सेन, मिस्टर महापात्रा IIT दिल्ली से और GBTL से हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और इस प्रोग्राम के दौरान बहुत से टेक्निकल सेशंस हुए, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हुई, इंडस्ट्रियल विजिट रही और पार्टिसिपेंट्स, इस प्रोग्राम की ब्यूटी ये रही कि पार्टिसिपेंट्स हमारे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से आए थे। जैसे इंदौर से पार्टिसिपेंट्स हैं, बरेली, आगरा से हैं। यहाँ पर हम आए हैं, TITS बहुत ही लाइक माना हुआ कॉलेज है टेक्सटाइल फील्ड में स्पेशली, एंड फैब्रिक फैशन जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पे हमें बहुत सारे डिग्निटरीज, बहुत सीनियर लेक्चरर्स फ्रॉम IIT दिल्ली एंड NIFT जो कि बहुत रेनाउंड इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से हमें बहुत सारे टॉपिक्स पे हमें हमारी नॉलेज जो है काफ़ी टॉपिक्स डिस्कस किए गए और बहुत इंटरैक्टिव सेशंस थे, तो हमारी नॉलेज बहुत इम्प्रूव हुई है। और मैं सबको यही बोलूँगी कि ऐसे जो प्रोग्राम्स जो AICTE स्पॉन्सर करता है फॉर फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो इसमें आकर भाग लें और अच्छे से जो भी अपने डाउट्स हैं वो अपने सॉल्व करें। और TIT का नाम मैंने काफ़ी सुना हुआ है क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित संस्थान है। यहाँ के स्टूडेंट्स जो है या एलुमनाय है वो इंडस्ट्री में काफ़ी उनका नाम है, मेरे सीनियर्स भी रह चुके हैं पहले भी। तो जब मुझे पता चला कि ये प्रोग्राम होने वाला है तो मैंने सोचा कि जाना तो है ही, क्योंकि TIT विज़िट करना है। TIT संस्थान का नाम बहुत मतलब ऊँचे स्तर पे आता है, तो इन लोगों ने इतना अच्छा वार्म वेलकम दिया, लेकिन ठंड इतनी एक्सट्रीम थी, दैट इज टू बी, लेकिन फिर भी हमें बहुत अच्छा लगा। यहाँ के क्लासेस वगैरह बहुत अच्छे थे, बहुत सारे बड़े बड़े एमिनेंट पर्सनैलिटीज़ आए हुए थे,
ज़्यादा तो हमें पता नहीं था टेक्निकल टेक्सटाइल्स के बारे में, लेकिन यहाँ के बहुत ज़्यादा बड़ा लैब्स वगैरह देखे तो हमें लगा कि ऐसा ही होना चाहिए सबका कॉलेज, जो बच्चे फैशन में पढ़ते हैं इतनी ज़्यादा नॉलेज सबको मिलनी चाहिए, तो अगली बार भी होगा तो ज़रूर आने की कोशिश करेंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम के